नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर बदस्तूर जारी है। रविवार को दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 18 में कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला, जब सेक्टर 18 के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा, साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को ही इस स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, ये कैसी दिल्ली सरकार की शिक्षा व्यवस्था है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर आरोपी की फहरिस्त लेकर तैयार बैठे हैं और अपने विरोधी पार्टी को खेलने का कोई भी मौका दोनों पार्टियां नहीं छोड़ रही। रविवार को रोहिणी इलाके में पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। दरअसल रोहिणी सेक्टर 18 में बने उत्कर्ष विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोहिणी पहुंचे थे, जहां कार्यक्रम स्थल के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में काले झंडे लेकर नारेबाजी कर उनका विरोध कर रहे थे। विरोध इस बात का भी था कि भाजपा के नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे श्रेय लेने की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कूल का निर्माण कार्य उनकी कोशिशों से मिली जमीन पर हुआ। यह एक सामान्य स्कूल था जिसको नाम बदलकर उत्कृष्ट विद्यालय रख दिया गया, जिससे आसपास के सामान्य बच्चे अब इस स्कूल में दाखिला नहीं ले पाएंगे। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की कि उत्कृष्ट विद्यालय को कहीं और स्थानांतरित किया जाए या उसके लिए एक नया भवन बनाया जाए, वर्तमान स्कूल की मूल स्थिति को बहाल किया जाए जिससे स्थानीय निवासियों के बच्चे इस स्कूल में दाखिला ले सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जानबूझकर रोहिणी विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केजरीवाल चोर दरवाजे से भागा है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र के अभिभावक इकट्ठा हैं, हमारे ही 18 के बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दे रही, क्या गुंडा कर दिया, जिनके लिए स्कूल बना, जिनके लिए जमीन अलॉट हुई। हर सेक्टर में रोहिणी के स्कूल है, सेक्टर 18 का स्कूल छीन लिया। सेक्टर 18 की जनता इतनी बदनसीब है कि उनके बच्चों के लिए स्कूल ही नहीं दे रही। ये है, ये स्कूल सेक्टर 18 के लिए बना था, 18 सेक्टर के बच्चों को इसमें दाखिला क्यों नहीं दिया जाए। हमारी मांग है कि यहाँ पर जो सामान्य बच्चे हैं, सभी बच्चे छोटे छोटे 4-4, 5-5 साल के बच्चे 5-5 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पढ़ने, हमने अपनी मेहनत करके स्कूल बनवाया उनके लिए, लेकिन आज हमारा स्कूल हमसे छीना जा रहा है, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री को भागना पड़ा क्योंकि जनता को वो फेस नहीं कर सकते थे। केजरीवाल जी जो झूठ की राजनीति कर रहे हैं, एक तरफ वो स्कूल का उद्घाटन करने है, जो पहले से स्कूल बना हुआ था उसमें कुछ कमरे बनाए गए, दूसरी तरफ यहाँ देखिए EWS कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे एडमिशन नहीं दिया जा रहा, यहाँ के स्थानीय लोगों को एडमिशन नहीं देना चाहते। हमारी केवल ये मांग है कि ये गरीब बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया जाए और इनको एडमिशन दिया जाए, ना कि बाहर के लोगों को। बाहर के लोगों को भी एडमिशन दे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अपने बच्चे, लेकिन यहाँ के EWS कैटेगरी के लोगों को भी एडमिशन दिया जाए। केवल हम क्षेत्रीय लोगों को भी उनको पूरा अधिकार मिले, उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित ना किया जाए, ये ढकोसला ना करें, ये हम कहना चाहते। भारतीय जनता पार्टी ने रोहिणी में कार्यक्रम स्थल के बाहर हाथों में काले झंडे लेकर जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विरोध किया, तो मुख्यमंत्री को भी स्कूल के दूसरे गेट से निकलकर वापस जाना पड़ा। इससे ये साफ है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और अपने चरम पर है और ऐसे में दिक्कत परेशानी और नुकसान आम जनता को ही हो रहा है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।